नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम मूंगफली की चिक्की बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी चिक्की होती है ये, बहुत जल्दी बड़ी आसानी से बन जाती है। सर्दी के मौसम की खास मिठाई है, आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए हमने एक कप भुने हुए छिले हुए मूंगफली के दाने ले लिए हैं। इन्हें हमने माइक्रोवेव में रोस्ट किया है। इसका तरीका आप मेरी वेबसाइट और चैनल पर देख सकते हैं। और मूंगफली के दानों को कढ़ाई में भी रोस्ट किया जा सकता है। मूंगफली के दाने कढ़ाई में डालेंगे और धीमी आग पर 8-10 मिनट तक लगातार चलाते हुए उन्हें रोस्ट करेंगे। गुड़ को हम पैन में डाल देते हैं। हमने एक कप गुड़ लिया है जिसे हमने तोड़ कर ले लिया है। गैस ऑन कर देंगे और गुड़ को धीमी गैस पर मेल्ट होने देंगे। हम इसमें एक छोटी चम्मच घी भी डाल देते हैं। इस घी की वजह से गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और इसे चलाते हुए मेल्ट करते हैं। आग धीमी रखेंगे ताकि गुड़ धीरे से पिघल कर तैयार हो, कढ़ाई में लगे ना। हम गुड़ को स्पैचुला से इस तरीके से तोड़ते रहेंगे। गुड़ का कोई भी बड़ा टुकड़ा है जिसे हम बारीक करेंगे ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। गुड़ पूरी तरह मेल्ट हो गया है। हम इसे और 1-2 मिनट लगातार चलाते हुए पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं और गुड़ अच्छा फूला फूला दिखाई दे रहा है। हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमने ये प्याली में पानी ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं और ठंडा होने देते हैं। इस गुड़ को हम उठा करके देखें तो अभी ये गुड़ खिंच रहा है, टूट नहीं रहा है। तो अभी हमें थोड़ा सा इसे और पकाना है। 1 मिनट और पकाते हैं। गुड़ को हम फिर से चेक कर लेते हैं। गुड़ को हम तोड़ करके देखें तो ये गुड़ टूटने लगा है। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है। गैस हम बहुत धीमी रखेंगे। मूंगफली के दाने हम इसमें डालेंगे, अच्छे तरीके से मिला देंगे। गैस बंद कर देते हैं। अब हम मिश्रण को बोर्ड पर जमने के लिए डालेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, बोर्ड को घी से चिकना कर लेते हैं। और ये चिक्की का मिश्रण हम बोर्ड पर डालेंगे। स्पैचुला पर थोड़ा घी लगाकर चिकना कर लेंगे। इससे हम इस मिश्रण को पतला पतला फैलाएंगे। हम इसे बेलन से भी बेल सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा इससे फैला लेते हैं, काफ़ी गर्म है मिश्रण। बेलन पर भी हम थोड़ा घी लगाकर इसे चिकना करेंगे और अब इससे हम चिक्की को बेलेंगे। ये चिक्की हमने बेल दी है, इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। चिक्की हल्की ठंडी हो गई है, हम इसमें काटने के निशान डाल देते हैं। तो पीसेज अपने पसंद के अनुसार छोटे और बड़े किए जा सकते हैं। जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी तब इसके पीसेस अलग कर लेंगे। चिक्की ठंडी हो गई है, इसे हम बोर्ड से निकाल लेते हैं। ये हमने बोर्ड से चिक्की के पीसेस निकाल दिए हैं। लेकिन चिक्की को अगर हम स्टील की थाली के पीछे या फिर अंदर की ओर जमाते तो बहुत जल्दी आसानी से निकल जाती है। तो जरा सा नीचे से गर्म करते हैं और चिक्की निकल जाती है। मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी चिक्की बनी है और बड़ी आसानी से बन जाती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप गुड़ मेल्ट करेंगे तब आप उसे लगातार चलाते रहें, उसको चेक करते रहें। गुड़ अगर कम पका होगा तो चिक्की चिपचिपी होगी, यानी दांत से चिपकेगी। गुड़ अगर बहुत ज़्यादा पक जाएगा तो उसमें कड़वाहट आ जाएगी, चिक्की भी कड़वी हो जाएगी। वो पूरी तरीके से अच्छा पका होगा, बहुत अच्छी चिक्की बनकर तैयार होगी। चिक्की को आप किसी भी कंटेनर में भरकर रख सकते हैं और पूरे 2-3 महीने तक खा सकते हैं। तो आप ये चिक्की बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।